आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, व्हाट नेक्स्ट। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं जब उनके जहन में एक आइडिया है, एक विचार है, पर अब आगे क्या किया जाए, उस आइडिया के साथ आगे क्या स्टेप्स के ऊपर काम होना चाहिए। सो हमारे 8-9 वर्षों के अनुभव के आधार पे और हजारों एंटरप्रेन्योर्स के साथ जब हमने काम किया है उसके आधार पे हमें एक बात समझ आई है कि सबसे पहला स्टेप होना चाहिए एम्पैथी, समानुभूति। जो भी आप आइडिया पे काम करने वाले हैं, जिसके वो प्रॉब्लम है, जिसका वो दर्द है, जिसकी भी वो समस्या है, जिसके लिए आप अपना आइडिया एज ए सॉल्यूशन देने वाले हैं, जो भी उसका लाभार्थी है, जो भी उसका उपयोग करता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी भूल हम लोग करते हैं कि हम उसको समझे बिना हम सीधा इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जंप करने की चेष्टा करते हैं, जो बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हमें एक बहुत नेचुरल अर्ज होती है कि हम एग्जीक्यूशन की तरफ जंप करें, हम डायरेक्टली कूदें कि भाई हम काम करने, हम बहुत क्रिया में विश्वास रखते हैं। एक साधारण सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर आपको आपके मन में कल्पना आती है कि आपको एक घर का निर्माण करना है, तो क्या आप इस घर के निर्माण करने के लिए पहली सीढ़ी आप क्या ये करेंगे कि आप सीधा जाके जमीन खोदने लगेंगे? नहीं करेंगे, राइट? थोड़ी सी हंसी की बात लगती है, पर अक्सर हम हमारे एक्चुअल जीवन में हम ऐसा स्टेप लेते हैं, जबकि हम प्लानिंग, एक्सप्लोरेशन और एम्पैथी को समझे बिना हम सीधा एग्जीक्यूशन की तरफ जंप करते हैं। सो हमें पहले समझना होगा कि उस घर में कौन रहने वाले हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या नीड है। अगर हमारा घर उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बनता है तो शायद वो घर उपयोगी होगा, नहीं तो वो घर चाहे कितने करोड़ का क्यों ना बना हो पर वो उपयोगी साबित नहीं होगा। सो हमको हमारे यूज़र को, हमको हमारे बेनिफिशियरी को, हमारा जो भी हम जिसके लिए भी हम हमारा सॉल्यूशन आइडिया देने वाले हैं उसको समझना होगा, उसकी भावना को समझना होगा, उसके दर्द को समझना होगा, उसकी नीड, उसका पेन हमको समझना होगा, कि जैसे एज गुड एज की वी हैव टू स्टेप इन देयर शूज, उसको एम्पैथी कहा जाता है। वहाँ से हमें ये समझ में आता है कि उस दर्द का की डिग्री कितनी है, उसकी पीड़ा कितनी है, और क्या उस दर्द के लिए, क्या उस पीड़ा के लिए आपको वो पैसा देगा, क्या आपके प्रोडक्ट के लिए, क्या आपके सर्विस के लिए वो आपको पैसा देगा। ये होता है जब एक आइडिया बिजनेस आइडिया के जैसे वैलिडेट होता है। तो आइडिया तो आपके पास बहुत सारे हैं, बस क्या वो आइडिया बिजनेस आइडिया बन सकता है, ये वैलिडेशन आपको करना होगा, आपको समझना होगा आपके लाभार्थी को, आपके उपयोगकर्ता को, और फिर शायद आपके पास एक सॉल्यूशन की कल्पना आप कर पाएंगे। और एक जब सॉल्यूशन की कल्पना होती है तो फिर हमको उसको एक्सपेरिमेंट करना होता है, हमको उसको प्रोटोटाइप बनाना होता है। तो ये पहली सीढ़ी होती है जब एक कल्पना को हम वास्तविकता में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इसको हम आइडिया टू रियलिटी मॉडल बनते हैं। सो आपके पास अगर आइडिया है तो जाइए, अपने लाभार्थी को, अपने उपयोगकर्ता को समझिए, अपने यूजर को समझिए, उसके दर्द को समझिए, उसके पेन को समझिए। यही आपके लिए पहला स्टेप होगा। आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।